अगर आप भी रीवा विजिट करना चाहते हो और आपको पता नहीं है कि रीवा में हम कहां कहां जाएं और कहां कहां घूमें, तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो समय न बर्बाद करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गोविंदगढ़ से। गोविंदगढ़ जो ग्रीष्मकालीन में रीवा की राजधानी भी रहा है और वह रीवा से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ जाकर आप गोविंदगढ़ पैलेस विजिट कर सकते हो और गोविंदगढ़ तालाब विजिट कर सकते हो। जो गोविंदगढ़ तालाब है ये लोगों के बीच में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला प्लेसेस में से एक है। मुकुंदपुर, मुकुंदपुर रीवा से लगभग 27 किलोमीटर की दूरी पर है। यह सफेद बाघ के लिए जाना जाता है क्योंकि रीवा में ही सफेद बाघ पहली बार पाया गया था, जिसकी नस्लें आज भी पूरे विश्व तक फैली हुई हैं। किला रीवा, किला रीवा सिटी से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर आता है, जहां आप जाकर रीवा किला देख सकते हो और रीवा किला के अंदर आपको एक म्यूजियम मिलेगी, तो वहां जाना ना भूलें। और आप मंदिर किले के आगे जाएंगे तो आपको एक महामृत्युंजय नामक मंदिर मिलेगी जो शिव जी की है, तो वहां भी जाइए और विजिट करिए। रानी तलाव रीवा सिटी से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। रानी तलाव रीवा की सबसे पुराने कुओं में से एक है। रानी तलाव शहर के दक्षिणी भाग पे स्थित है और रानी तलाव पे आपको एक माता की मंदिर भी मिलेगी, जहां नवरात्रि के दिन काफी भीड़ लगती है। वाटरफॉल रीवा से लगभग 72 किलोमीटर की दूरी पर है, मीन 72 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत ही मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा झरना है। यह सेलर नदी पर स्थित है। देउर कोठार भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रीवा जिले में स्थित एक पुरातत्व स्थल है। यह अपने बौद्ध स्तूपों के लिए जाना जाता है। यह सन 1982 में प्रकाश में आए थे और इन्हें सम्राट अशोक के शासनकाल की तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था। यह रीवा सिटी से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। चुचाई वाटरफॉल जो रीवा सिटी से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में कई सारे पर्यटक स्थल हैं, उन्हीं में से एक चुचाई जल प्रपात भी है जो मानसून में अपनी खूबसूरती बिखेरता है। यह रीवा शहर के समीप है। अगर आप कभी रीवा जाएं तो इस जल प्रपात को देखने अवश्य जाएं। वाटरफॉल रीवा से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर केवटी जलप्रपात भारत का 24वां सबसे ऊंचा झरना है। केवटी जलप्रपात, जिसे केवटी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, यह मध्य प्रदेश के रीवा जिले की शान है। घिनौची धाम रीवा सिटी से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में ऐतिहासिक पर्यटन नगरी सिरमौर की धरती से 300 फीट नीचे चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ प्राकृत की गोद में बसा है भगवान भोलेनाथ की पावन धाम घिनौची। रीवा में प्राकृतिक और मानव निर्मित कई सारे पर्यटक आकर्षण है जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। रीवा जिले में कई प्राकृतिक सौंदर्य का बसेरा भी है। उन्हें एक खूबसूरत जलप्रपात है जिनका नाम पूर्वा जलप्रपात है। यह रीवा से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है।